अखिल भारतीय किसान सभा इकाई सीहोर के नेतृत्व में किसानों के दल ने सोसाइटी से मिलने वाले खाद को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी से मिलने वाला यूरिया मिलावटी है, इसमें पत्थर निकल रहे हैं और यूरिया की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। किसानों ने सरकार और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। सर, इसमें से कंकड़, पत्थर, कोयला ये सब निकल रहा है, हमने सर मट्टी भी निकल रही है, इसे खेतों में डलवाया, वो तो आखिरी में देखा जाके तो नौकरों से और उन काम वालों से पूछा, उनसे मजदूर लगाए थे तो उनने बोला कि सर इसमें तो पूरे में पत्थर निकले। ये जानकारी हमने कृषि अधिकारी को भी दी तो यहाँ से टीम गई, उनने जाँच करा, आज 5 रोज हो गए, हमारा कोई निराकरण भी नहीं हुआ सर, न कोई हमसे उनने बात तक भी नहीं करी। ये कौन सी कंपनी का खाद और कहाँ से खरीदा था आपने? ये सोसाइटी सर रत्नम खाद है और ये हमने सोसाइटी सरकारी संस्था लगती है हमारे आंवला केलवाड़ी से। पूरी पैकिंग बोरी भी रखी, कृषि विस्तार अधिकारी भी गए थे, उन्होंने भी उसको देखा है, कंपनी मगर जो वो भी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसमें जो हो रहा है उसको क्लियर, चाहे वो कंपनी से भ्रष्टाचार हो रहा है या किसी जिसने टेंडर दिया उस जहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर इसमें किसान जो है, किसान अपनी रोजी रोटी के लिए खाद लेके आया था तो किसान का ये भी गया और दूसरी आगामी फसल के लिए उसने खाद फेंका था वो भी खत्म हो गया। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।